नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के दो किरदारों की वजह से बिहार की सियासत से जुड़े हुए सैकड़ों सवाल हैं। रोज नए कयास हैं, नए संकेत हैं और रोज नए सवाल हैं। वो दो किरदार हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। इन दो पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक खेमों में भूचाल लाकर रखा है। हाल के दिनों में बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ा कर रखी है। सवाल यही है कि अगर तेवर आर पार के मूड में हैं, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दोनों अगर आर पार के मूड में हैं, तो क्या अपना राजनीतिक खेमा बदल सकते हैं? कयास लगते रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या हो सकती है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूषर हैं। सर, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को लेकर कयास और सवाल तो यही है कि वो चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं, जीतनराम मांझी महागठबंधन छोड़ सकते हैं? शुरुआत दोनों नेता दोनों गठबंधन के लिए चुनौती बने हुए हैं। जीतनराम मांझी जेडीयू में जाएंगे तय है, केवल औपचारिक बैठक होनी है और ऐलान होना है। और जाने की वजह है कि आरजेडी में उनको भाव नहीं मिल रहा था। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी दोनों को भाव नहीं दे रहे हैं और वो कह चुके हैं कि हम इनसे बात करेंगे ही नहीं और न लालू यादव बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह से इनको फरियाना पड़ेगा, मतलब साफ उनको भाव नहीं दे रहे हैं। जीतनराम मांझी को लगा कि अब तो जब पार्टी के आरजेडी का मतलब क्या है, लालू यादव तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव का मतलब है आरजेडी, जब वो भाव ही नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ रहकर भी क्या होगा और क्या मिलेगा उनको। दरअसल क्यों तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे जो सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ बातचीत चल रही है कांग्रेस पार्टी के जरिए आरजेडी की। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने के लिए, और चिराग पासवान महागठबंधन में आएंगे तो 50 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, 70 सीट, लेकिन 50 से ज़्यादा सीटें उनको चाहिए क्योंकि 41 सीटों पर तो पिछला विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ रहते हुए लड़ चुके हैं और 41 सीटों की मांग को लेकर ही एनडीए में वो तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, तो उससे ज़्यादा सीट तो चाहिए तभी जाएंगे। तो जब चिराग पासवान को 40 या 50 सीट देना पड़ेगा तो उसके लिए जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो इसी सोची समझी रणनीति के तहत लालू यादव ने, ये लालू यादव की रणनीति होगी मुझे लगता है, कि पहले जो छोटे नेता हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, लोकसभा में जो कमाल नहीं दिखा पाए हैं, उनके किनारे लगाओ। रहना है तो रहिए, 5 सीट ले लीजिए, रहिए, नहीं तो किनारे जाइए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अब हो गई है कांग्रेस और चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ने की। और देखिए ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा, आरजेडी कांग्रेस और चिराग पासवान एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत असर पड़ेगा। और मुकेश सहनी भी तो हैं, मुकेश सहनी मलाहों के उभरते हुए नेता हैं और पहले ऐसे नेता हैं वो, क्षेत्रीय नेता, जो 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है और अपना दमखम दिखा दिया है। उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने और 25,000 वोट हासिल किया। इसका मतलब है कि उनमें दमखम है, उनके साथ उनका बिरादरी के लोग खड़े हैं, तो उनको तो लालू यादव पहले ही मना चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा वोट टर्न अप नहीं करा पाए, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, जीतनराम मांझी नहीं करा पाए, उनको इग्नोर कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक नया कहीं समीकरण न बन रहा हो। हालांकि चिराग पासवान के लिए बहुत आसान नहीं होगा ये फैसला लेना, क्योंकि केंद्र के सरकार में उनके पिता रामविलास पासवान हैं और चिराग पासवान के जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, वो एनडीए के साथ रहना चाहेंगे, वो यादवों और पासवान की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान जहाँ जाएंगे वहीं पासवान चले जाते हैं। अगर पासवान लालू यादव के साथ जाते हैं तो भी उनके जो समर्थक हैं, जो यादवों से लड़ते रहते हैं, वो भी चले जाते हैं, ये खासियत है। तो डर इस बात को है एनडीए का, और आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं और बीजेपी का आला कमान उनको नाराज करने की स्थिति में नहीं दिख रहा, उनकी हर मांग मानी जा रही है, उनके खिलाफ प्रदेश के जो नेता बोल रहे हैं उनको फटकार लगाई जा रही है। तो मतलब बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से चिराग पासवान को साथ बनाए रखें, लेकिन वो डिप्टी सीएम कम से कम बनना चाहते हैं, सीएम तो नहीं बन सकते अचानक, भविष्य बहुत अच्छा है
फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है उनका, क्योंकि बहुत समझदार हैं, बहुत मिलनसार हैं और काबिल हैं, मेहनती भी हैं, राजनीति की बारीकियां भी समझते हैं। हाँ, राजनीति की बारीकियां समझते हैं और अमित शाह जैसे राजनीति के धुरंधर का पसीना छुड़ा चुके हैं लोकसभा चुनाव में, मौकों की नजाकत भी बेहतर समझते तो मौका की नजाकत भी समझते हैं। तो चिराग पासवान अगर आएंगे महागठबंधन में तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो उनको मिलेगा, और डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, सरकार भी बन जाएगी, डिप्टी सीएम का पद भी मिल जाएगा, लेकिन ये साथ कितने दिनों का होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। चिराग पासवान पर लौटेंगे सर। जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है, जो घटनाक्रम रहा है और आपने जो बताया है उससे यह स्पष्ट है कि आरजेडी ने, जीतन राम मांझी तो अल्टीमेटम देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि हम कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, आरजेडी ने बाहर जाने के सिवाय उनके लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं है, तो सवाल यही है कि फिर इतनी देर क्यों हो रही है फैसले लेने में? नहीं, देर नहीं, फैसला वो ले चुके हैं, अब आरजेडी में उनके लिए कोई जगह है ही नहीं। आरजेडी में रहेंगे भी तो 5 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी और वैसी सीटें मिलेंगी जो हारेंगे वो, तो जीतन राम मांझी तो तय कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान करने के पहले वो नीतीश कुमार के साथ मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनसे मिलेंगे औपचारिक रूप से, उसके बाद ही ऐलान करेंगे। तो देखिए 15 दिन से 10 दिन से चुप है, मीडिया में कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी संकेत दे दिया है कि वो मना नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी कैसे मना पाएगी? देखिए आरजेडी महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, उसके कृपा पर आधारित हैं सारे दल, उसके सहारे ही सारे दलों को अपनी चुनावी बढ़तरणी पार करनी है। लालू यादव, तेजस्वी यादव ही भाव नहीं दे रहे हैं जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, तो कांग्रेस क्या कर पाएगी? कांग्रेस तो खुद लालू यादव के सामने ये कोशिश कर रही है कि उसे उसका हक मिल जाए। पिछले बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 70 मांग रही है, इसलिए मांग रही है कि 41 कम से कम रह जाए। तो मानकर चलिए कि जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी उतनी ही सीटों पर अगर चिराग पासवान आएंगे तो उनकी पार्टी लड़ेगी, हो सकता है सीटें थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाए चिराग पासवान को। और ये कॉम्बिनेशन बन गया चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, तो NDA की चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। तो चिराग पासवान वाकई जा सकते हैं महागठबंधन में, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर खबर आई कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार भी नाराज हैं और उनको ठिकाने लगा सकते हैं, तो चिराग पासवान को ठिकाने लगाने में कामयाब होते दिख रहे हैं नीतीश कुमार, या फिर नाराजगी इतनी बढ़ गई है चिराग पासवान खुद चले जाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि ठिकाने कैसे लगा पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ जाकर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, उपेंद्र कुशवाहा का साथ BJP ने भी नहीं दिया, लेकिन चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है और वो ट्रांसफरेबल है, जहां वो जाएंगे वहीं उनका वोटर चला जाएगा, तो उनको ठिकाने नहीं लगा सकते इतना आसानी से। चिराग पासवान को अगर छोड़ता है NDA तो उसे भारी नुकसान होगा, वो महागठबंधन की ताकत बन जाएंगे, NDA के लिए चुनौती बन जाएंगे, लेकिन तब तो ये चिराग पासवान को ही तय करना है कि केंद्र सरकार में भागीदारी चाहिए या बिहार में बड़ा पारी खेलना है। बड़ा पारी खेलना है तो BJP के साथ तो नहीं खेल सकते, अभी तो RJD के साथ ही जाकर अपना दमखम दिखा सकते हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं, डिप्टी CM बन सकते हैं और आगे CM के प्रबल दावेदार भी बन सकते हैं। अभी तो तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं ना, बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव ही CM होंगे, लेकिन डिप्टी CM का पद में तो कोई शक ही नहीं है, हो सकता है चिराग पासवान और कांग्रेस से कोई डिप्टी CM बन जाए, तीसरा डिप्टी CM मुकेश सहनी बन सकते हैं अति पिछड़ा से, ये ज़्यादा चांस दिख रहा है। 3 CM डिप्टी CM बनेंगे अगर महागठबंधन में सरकार बनेगी तो ये सरकार कैसी होगी सोच लीजिए, तेजस्वी यादव पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके साथ चिराग पासवान भी तो होंगे और कांग्रेस पार्टी भी होगी, और सबकी मांग है कि 70-75 सीटों पर हमको लड़ना है, तो बगैर उनके सहयोग के तेजस्वी यादव सरकार भी नहीं बना पाएंगे न चला पाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान को लेकर ही सवाल है, चिराग पासवान अभी तक दिल्ली में डेरा डाले हैं, बिहार में उनकी एंट्री नहीं हुई है, सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चा है, कई तरह के कयास है, क्या ऐसा है, क्या चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेकर ही बिहार लौटना चाहते हैं, तस्वीर साफ करके ही बिहार लौटना चाहते हैं? चिराग पासवान इसलिए नहीं लौट रहे हैं कि बिहार आने से कोई फायदा नहीं, सारा काम तो चल रहा है डिजिटल वर्चुअल ऑनलाइन प्रचार चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, चिराग पासवान पटना की बजाय दिल्ली में बैठकर इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं, वो पटना आकर शायद उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये वर्चुअल
इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जब तक वर्चुअल प्रचार चल रहा है, वो दिल्ली में ही बैठकर करें, और दिल्ली में ही तो सब कुछ है, जो भी खिचड़ी पकनी है चाहे एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ, वो दिल्ली में ही तय होना है, क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के कहने पर नहीं आएंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी अहम भूमिका निभाएगी, कांग्रेस के भरोसे ही आएंगे, क्योंकि रामविलास पासवान और लालू के बीच का जो रिश्ता है वो भी बहुत भरोसे का नहीं है। तो लालू और रामविलास पासवान के बीच के रिश्ते भरोसे के नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस की भूमिका अहम होगी अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है तो। दूसरी तरफ जीतनराम मांझी हैं जिनका महागठबंधन से बाहर जाना तय है, जेडीयू के साथ जा सकते हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं। इस डिबेट में इतना ही, अगर ये डिबेट अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे। प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।